सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम जेसन है। आज हम कंप्यूटर ग्राफिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, ओपन जीएल, जो 10 मार्क्स के लिए बहुत बार पूछा गया है। तो ओपन जीएल होता क्या है? ओपन जीएल मतलब ओपन ग्राफिक्स लाइब्रेरी होता है। ये एक लाइब्रेरी है जहाँ पर सब तरह के ग्राफिक्स के टाइप्स स्टोर्ड है। बेसिकली अभी हम एक लाइब्रेरी में क्यों जाते हैं? अगर हम लोग को कोई भी फील्ड में कोई भी रिलेटेड बुक्स चाहिए तो हम लोग लाइब्रेरी जाते हैं। मुझे टेक्नोलॉजी के बुक्स मिलेंगे वहाँ पर, अगर मुझे ऑटोमोटिव में इंटरेस्ट है तो मुझे गाड़ी के रिलेटेड बुक्स मिलेंगे। तो वैसे ये ग्राफिक्स लाइब्रेरी है, यहाँ पर हर ग्राफिक्स के रिलेटेड फंक्शन स्टोर्ड है पहले से, जैसे कि पॉइंट हुआ, लाइन हुआ, स्क्वायर हुआ, तो सब वो कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं सब उसके पास स्टोर्ड है। तो ये सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं है, ये ऐसा लाइब्रेरी है कि ये हर चीज़ में यूज़ हुआ है। मतलब हमारा फ़ोन ले लो, डेस्कटॉप ले लो, लैपटॉप ले लो, ये हर चीज़ में ग्राफिक्स प्रोसेस करने के लिए यूज़ होते हैं। तो बेसिकली ये क्रॉस लैंग्वेज है, मतलब हम इसको कोई भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, कोटलिन। और ये क्रॉस प्लेटफॉर्म भी है, मतलब अपना iOS रहने दो या फिर एंड्रॉयड रहने दो या फिर मैक OS रहने दो या फिर विंडोज़ भी रहने दो, ये उसमें भी चल जाएगा। उसमें चल जाएगा क्या? उसके कर्नल जो रहता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम के, उसमें ये पहले से डिफाइंड रहता है ओपन जीएल ग्राफिक्स को प्रोसेस करने के लिए। तो बेसिकली ये ओपन जीएल काम कैसे करता है? तो ये काम एक पाइपलाइन प्रोसेस के थ्रू करता है। अब ये पाइपलाइन प्रोसेस क्या है, चलिए हम देखते हैं। पहला स्टेप इसका जो रहता है कि कमांड, जो हम लोग कमांड्स देते हैं, जो स्क्रीन में अपने को ग्राफिक्स देखने का वो हम कमांड्स देते हैं, पहले तो वो डिसाइड करता है कि वो कमांड्स इंपॉर्टेंट है या नहीं। अगर वो कमांड्स इंपॉर्टेंट नहीं है और बाद में भी अगर अपन प्रोसेस कर सकते हैं तो वो डिस्प्ले लिस्ट में डाल देता है। लिस्ट मतलब वो एक प्रायोरिटी के ऊपर एक लिस्ट बना लेता है और उसके ऑपरेशंस जो जो लिस्ट में जो फंक्शंस है उसके जो रिलेटेड ऑपरेशंस है उसके लिए भी एक अलग से रजिस्टर स्टोर करता है बाद में प्रोसेस करने के लिए। और जो प्रायोरिटी में सबसे ऊपर वाले फंक्शंस है उनको वो पहले इवेल्युएटर में दे लेते हैं। इवेल्युएटर क्या करता है? जो भी अपने इक्वेशंस वाले जो लाइन्स वाइन्स रहते हैं ना, जो टेढ़े मेढ़े लाइन्स रहते हैं, कर्व्स रहते हैं, सर्कल वर्कल रहते हैं, जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन रहते हैं, बेसिकली कर्व या फिर ऐसे कुछ फंक्शंस, वो इवेल्युएटर संभालता है। इवेल्युएटर ने ये सब प्रोसेस कर लिया तो फिर वो आके प्रिमिटिव असेंबली में भेज देते हैं। प्रिमिटिव असेंबली क्या है? प्रिमिटिव असेंबली वो चीज़ों को संभालता है जो चीज़ डिफाइंड हो, जिसके फिक्स्ड पॉइंट हो, फिक्स्ड एजेस हो। ऐसा नहीं कि इवेल्युएटर जो इक्वेशन संभाल देती है टेढ़े मेढ़े चीज़ों को, वैसा नहीं, एकदम परफेक्ट जिस चीज़ के पॉइंट हो, एजेस हो, उनको प्रिमिटिव असेंबली संभालता है। तो ये होने के बाद अभी हमने कमांड्स तो दे दिया, पर अब उसको कैसे मालूम कि स्क्रीन में कौन से पिक्सल्स में क्या क्या अपलोड करना है? तो वो सब रास्टराइजेशन संभालता है। मतलब अगर एक सर्कल है तो सर्कल का ये वाला पिक्सल यहाँ पर आएगा, ये वाला पिक्सल यहाँ पर आएगा, वो सब रास्टराइजेशन देखते हैं। उसके बाद रास्टराइजेशन अपना जो इनपुट है वो पर फ्रेगमेंट ऑपरेशंस की तरफ भेजता है। पर फ्रेगमेंट ऑपरेशंस जस्ट डिस्प्ले प्रिंट करने के पहले जो भी जितना भी वो ऑप्टिमाइज़ कर सके वो चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करता है, जो एरर्स है वो निकलते हैं, और एक फाइनल जो उसका जो रिजल्ट है वो फ्रेम बफर में स्टोर करता है। अब फ्रेम बफर क्या है? ये भी एक छोटा सा रजिस्टर है, इसमें सीक्वेंस के हिसाब से जो जो पिक्सल में क्या क्या प्रिंट करना है वो सेव करके रखता है। तो ये था हमारा पाइपलाइन। तो आइए हम देखते हैं कि ओपन जीएल के बेसिक प्रिमिटिव्स क्या है। बेसिक प्रिमिटिव्स मतलब जो बेसिक चीज़ें कि वो हमने हमारी करने में मदद करता है। तो एक एक करके हम देखते हैं। तो पहला है कि जीएल पॉइंट्स। जीएल पॉइंट क्या यूज़ करता है? जीएल मतलब ग्राफिक लाइब्रेरी। जीएल पॉइंट्स हमें पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए हेल्प करता है। यहाँ पर एक पॉइंट आएगा या फिर यहाँ पर एक पॉइंट आएगा। अपना स्क्रीन कैसा रहता है? पिक्सल्स के ऊपर रहता है, तो उसमें से वो यहाँ पर एक पॉइंट प्लॉट करेगा, जैसे समझ रहे हो ना आप। सो दूसरा प्रिमिटिव है जीएल लाइंस। जीएल लाइंस जो है वो हमें लाइंस, स्ट्रेट लाइंस प्लॉट करने में हेल्प करेगा, अगर स्क्रीन में किधर भी लाइंस प्लॉट करने हो। जीएल लाइन स्ट्रिप क्या है? अभी समझो हमने एक लाइन प्लॉट किया और ये लाइन ख़त्म हो गया और हमको उसके आगे और एक लाइन बनाना है, उसको कॉन्करेंट लाइंस। तो उसके लिए जीएल स्ट्रिप मदद करेगा। लाइन लूप क्या होता है? लाइन लूप कोई भी लाइन का फर्स्ट और लास्ट पॉइंट ज्वाइन कर देता है। अगर मैं लाइन का फर्स्ट और लास्ट पॉइंट ज्वाइन करूँगा तो क्या होएगा? सर्कल ना। तो फिर सर्कल बनाने के लिए लाइन लूप यूज होता है। जीएल ट्रायंगल क्या करता है भाई? जीएल ट्रायंगल अपने को एक नॉर्मल ट्रायंगल डिफाइन करने के लिए हेल्प करता है। इसके एज का लेंथ, इसके एज का लेंथ, इसके एज का लेंथ, यहाँ का एंगल, तो ये सब ट्रायंगल जीएल ट्रायंगल हम लोग को प्लॉट करने में हेल्प करता है। और एक प्रिमिटिव है जीएल ट्रायंगल स्ट्रिप।
अब ये जीएल ट्रायंगल स्ट्रिप क्या करता है? वो कुछ नहीं करता। अभी समझो ये हमारा एक ट्रायंगल डिफाइंड है, वो उसके एच पे एक और एक ट्रायंगल बना लेगा और उसके एच पे और एक ट्रायंगल बना लेगा। अगर हमारा ऐसा कुछ अपने को प्लॉट करना है तो फिर जीएल ट्रायंगल स्ट्रिप अपने को हेल्प करता है। तो उसके बाद आता है जीएल ट्रायंगल फैन। तो जीएल ट्रायंगल फैन क्या है भाई, चलो देखते हैं। अभी समझो हमने ऑलरेडी एक ट्रायंगल प्लॉट किया ऐसे। तो जीएल ट्रायंगल फैन जो है वो उसका वर्टाइस लेगा और वो वर्टाइस पे और एक ट्रायंगल प्लॉट करेगा, और एक ट्रायंगल ऐसे प्लॉट करेगा। तो अगर आप इसको कंप्लीट करोगे ना तो ये कुछ ना अपने जो घर पे जो फैन है ना उसके साथ दिखेगा, बीच में वो गोल सा पार्ट और यहाँ पर फैन के ब्लेड्स। तो इसके लिए हम लोग इसको ट्रायंगल फैन बोलते हैं। तो उसके बाद आता है जीएल क्वार्ट्स। क्वार्ट्स मतलब क्या? कोई भी चीज़ जिसके चार एजेस हो, जैसे कि रेक्टेंगल हुआ, स्क्वायर हुआ। उसके बाद आता है जीएल क्वार्ट्स स्ट्रिप। ये जीएल क्वार्ट्स स्ट्रिप क्या करता है? जैसे हम लोगों ने ट्रायंगल स्ट्रिप में देखा था एजेस को ज्वाइन करके बनाता है, वैसे ही यहाँ पर एक और एक रेक्टेंगल वो इसके एज को ज्वाइन करके बनाएगा। ये है जीएल क्वार्ट्स स्ट्रिप। और फिर लास्ट प्रिमिटिव हम देखते हैं कि जीएल पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है? कि ऐसी चीज़ जिसके चार से ज़्यादा साइड्स हो, जैसे कि अपना हेक्सागॉन हुआ, ऑक्टागॉन हुआ, डेकागॉन हुआ, ये सब जीएल पॉलीगॉन डिफाइन करने के लिए हेल्प करता है। तो ये था हमारा बेसिक प्रिमिटिव्स और ओपन जीएल का पाइपलाइन और उसके बारे में एक शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो। होप ये वीडियो आपको समझा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और ऑसम कंटेंट के लिए। थैंक यू।